तो साथियों हाजिर हैं हम लेकर आपके लिए दृष्टि आईएएस का एक बहुत ही बेहतरीन बहुत ही जबरदस्त टेस्ट सीरीज। ये साथियों सामान्य विज्ञान की टेस्ट सीरीज है और सामान्य विज्ञान से संबंधित जो भी उसमें करंट अफेयर्स की चीजें हैं वो भी इसमें इंक्लूड है, यानी सामान्य विज्ञान की एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज है। इसे आप पढ़ लेंगे तो सामान्यतः साइंस के जो हर एक टॉपिक है जितना आपके आरओ एआरओ या यूपीपीसीएस के सिलेबस में इंक्लूड है, सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न जो अब तक बन सकते हैं या बने हैं वो सारे टॉपिक को सारे प्रश्नों को कवर करेगा। साथियों एक बात यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, यूपीपीसीएस हो या आरओ एआरओ दोनों में सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन लगभग लगभग पूरे सेम आते हैं, इसलिए यह दोनों की कंबाइंड टेस्ट सीरीज है। आप चाहे आरओ एआरओ के लिए पढ़ रहे हो या यूपीपीसीएस के लिए, दोनों के लिए रामबाण है साथियों, इसे जरा सा भी मिस न करिएगा। इस समय साथियों हम आरओ एआरओ के लिए सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं। साथियों आप लोग देखना हमारी ये पहली टेस्ट सीरीज अभी मैंने बनाया था, ये जो आरओ एआरओ के लिए वो करंट अफेयर से संबंधित बनाया था। पूरे जो 3-4 महीने के करंट अफेयर से महत्वपूर्ण चीजें थी उसको मैंने रखा। दूसरी टेस्ट सीरीज हमने आज ये स्टार्ट करने जा रहे हैं साथियों, ये साइंस की, तो साइंस की आज हमारी ये दूसरी टेस्ट सीरीज हो जाएगी। और इसके बाद हम लोग तीसरी लाएंगे जो है इंडियन पॉलिटी का, चौथी इकोनॉमिक्स का, पांचवी हिस्ट्री का, जियोग्राफी का। ऐसे पहले हम लोग सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करेंगे जो है टेस्ट सीरीज। इसके बाद हम लोग मिक्स प्रश्न लाएंगे जो पूरे के पूरे जैसे एग्जाम में आता है मिक्स टाइप का, उस तरह से प्रश्न होगा। इसके बाद साथियों जब एग्जाम में हम लोग थोड़ा नजदीक पहुंचेंगे तो हम लोग सामान्य हिंदी को भी पूरा हर एक पूरा शुरू से लेकर अंत तक सामान्य हिंदी की सारी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। और ऐसा नहीं सिर्फ दृष्टि आईएएस का, हम साथियों जो भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जैसे जीएस वर्ल्ड होगी, घटना चक्र होगा, ध्येय आईएएस, दृष्टि आईएएस, सभी महत्वपूर्ण विश्वसनीय संस्थाओं का कंटेंट आपके सामने रखेंगे। साथियों आपके लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी हम तैयार हैं साथियों। तो साथियों अभी हमने आपको अगर सामान्य हिंदी पढ़ना हो तो मैंने 10 प्रैक्टिस सेट घटना चक्र का पढ़ा दिया है, आप लोग वीडियो पे जाकर देख सकते हैं, यह फरवरी जनवरी का पढ़ाया हुआ है, अभी नया हम लोग आगे पढ़ाएंगे। तो साथियों बहुत बेहतरीन होगा, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा अपने भाई के लिए, आपके लिए साथियों जितनी मेहनत करनी पड़ेगी करेंगे, बस आपका सपोर्ट मिलेगा तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, इसी आत्मविश्वास ही हमारे अंदर जुनून पैदा करेगा। तो चलते हम लोग पहले प्रश्न पर, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो साथियों पहला प्रश्न हमारा देखो दिया है प्रतिबल और विकृति के, क्या पर कह रहा है हमारा, कह रहा है प्रतिबल और विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं। तो साथियों आप लोग को मालूम है प्रतिबल क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं, हालांकि इसका जो उत्तर होगा प्रतिबल और विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो आप लोग सोचते होंगे, भूल गए होंगे, अगर आप लोग पढ़े तो थे इंटर में, तो प्रतिबल का मतलब क्या होता है, एक तरह का बल होता है साथियों, किसी सरफेस पे हम लोग बल लगाए तो एक तरह का एक एकांक यूनिट एकांक एरिया पर जो बल लगता है वो प्रतिबल हो गया, और जब सरफेस पे बल लगता है तो सरफेस में कुछ डिस्टॉर्शन कुछ डिस्टरबेंस होता है, जैसे आप किसी सरफेस पे बल लगाओगे तो उसमें कुछ विकृति कुछ गड़बड़ी उत्पन्न हो जाएगी, तो उसी को जो है वो जो विकृति उत्पन्न होती है उसे हम लोग विकृति कहते हैं, तो इनके अनुपात को जो है प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो साथियों ये प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है कि जब किसी पदार्थ के सभी दिशाओं से दबाव डाला जाता है तो उसका आयतन घट जाता है, तो उस स्थिति में प्रति इकाई आयतन में जो डिस्टरबेंस यानी जो विकृति उत्पन्न होती है तो उसे हम लोग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। बहुत बढ़िया साथियों, जो है इसे हम लोग के से जो है डिनोट करते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है ये। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखें दूसरा प्रश्न हमें क्या कह रहा है साथियों, कह रहा है कि ऊर्जा के संदर्भ में, ऊर्जा एनर्जी के संदर्भ में आपको दो कथन दिया गया है और कौन सा कथन सही है वही बताना है आपको, इन्हीं दोनों कथनों को पढ़कर सही उत्तर, ध्यान दीजिएगा सही पूछ रहा है गलत नहीं पूछ रहा है आपसे। तो पहला आप लोग जब पढ़ेंगे साथियों तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है साथियों पहला वाले में क्या कह रहा है कि ऊर्जा ऊर्जा संरक्षण ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण की प्रक्रिया है। तो यस साथियों यह स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है ऊर्जा संरक्षण, ये बात तो पहली वाली इसकी सही है, तो इसमें कोई डाउट नहीं। तो
तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। क्या कह रहा है साथियों, आपको ऊर्जा से संबंधित दो कथन दे दिया है। कह रहा है इन्हीं ऊर्जा से संबंधित दोनों कथनों को पढ़कर आप सही उत्तर दीजिएगा। ध्यान रहे आपको सही उत्तर पूछ रहा है, गलत नहीं। तो सही उत्तर पढ़ दे दीजिएगा आप लोग इन दोनों कथनों को पढ़कर। पहला पढ़ेंगे तो कह रहा है ऊर्जा संरक्षण। कह रहा है ऊर्जा संरक्षण ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करती है। नहीं भाई, ये ऊर्जा संरक्षण का काम थोड़ी ना होता है। ऊर्जा संरक्षण का काम एक स्थान दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करना नहीं होता है। ये बात गलत है, सरेआम आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका मतलब पहला गलत हो गया, तो ये नहीं उत्तर हो सकता, ये नहीं उत्तर हो सकता। और दूसरा पढ़ते हैं तो डायनमो में यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। जी मेरे भाई, बिल्कुल सही जवाब है। डायनमो क्या होता है, जैसे आप लोग जनरेटर देखे होंगे, आप लोगों के गांव में किसी प्रोग्राम में आता होगा, तो उसमें इंजन रहता है और डायनमो, इंजन जो होता है डायनमो को यांत्रिक ऊर्जा देता है और डायनमो आपको विद्युत ऊर्जा देता है। तो डायनमो क्या हो गया, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और जो विद्युत मोटर होती है, जो विद्युत मोटर होती है साथियों, उसका काम इसका डायनमो का उल्टा होता है। उसे आप इलेक्ट्रिक देंगे तो वो आपको यांत्रिक ऊर्जा देगी, जैसे आपका पंखा हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, ये सब। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया डायनमो और विद्युत मोटर में अंतर। फिलहाल डायनमो क्या है, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। तो आपका दूसरा कथन यहाँ पर सत्य है। आगे बढ़े हम लोग, क्या कह रहा है आगे हमारा देखें। तीसरा प्रश्न में साथियों क्या कह रहा है हमारा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे प्लवन का नियम कहा जाता है। प्लवन मतलब होता है साथियों तैरना या पौड़ना जो होता है। तो प्लवन का नियम की अवधारणा प्रस्तुत की थी, यानी प्लवन का नियम किसने दिया था, आप लोग जानते हैं साथियों, सिंपल सी बात है, कई बार पढ़े होंगे, आर्किमिडीज ने दिया था। आर्किमिडीज ने यही दिया था कि कोई बॉडी जो है अगर पानी में जितना डूबी रहेगी तो उसका भार उतना कम महसूस होगा। इसीलिए आप लोग देखते होंगे अगर कुएं में से बाल्टी कभी खींचे होंगे, जब पानी के अंदर रहती है तो सरल रहती है, ऊपर आ जाती है तो भारी हो जाती है। तो एक तरह का ये भी उसका वो है। तो आर्किमिडीज ने प्लवन का यानी तैरने का सिद्धांत दिया, कोई बॉडी कैसे तैरेगी, तभी तैरेगी जो अपने भार के बराबर हो, पानी को हटा देगी। आगे चले हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं साथियों, पूरे आपके जो है सिलेबस को ये टच करेंगे, आपको बता देंगे कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं, कैसे बनते हैं, किस लेवल के बनते हैं, कि कैसे प्रश्न बन सकते हैं, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर कह रहा है एक्सरे का आविष्कार कौन किया था। आप लोग मालूम है साथियों, विलहेम कॉनराड रोंटेजन ने, हालांकि इनका नाम फेमस है रोंटेजन, तो आप भी जब भी आपके सामने आए तो आप लोग ऐसे ट्रिक थोड़ा याद रखिएगा, एक्सरे, इसमें रे है इसमें रो है, तो ऐसे याद रखिएगा, आर आर दोनों में है, डबल आर याद रख लेंगे तो याद आ जाएगा, रोंटेजन, एक्सरे और रोंटेजन। तो विकल्प नंबर ए, रोंटेजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। आगे देखें हम लोग पांचवें में क्या है। तो साथियों बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है, तो छोटा सवाल लेकिन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। तो कौन सी नहीं है, सदिश का मतलब साथियों, स का मतलब उसमें इंक्लूड है, स का मतलब सदिश, यानी उसमें दिशा भी है, किस राशि में दिशा भी हो, जिन राशियों में दिशा और परिमाण दोनों होता है उसे हम लोग सदिश कहते हैं, और जिसमें दिशा नहीं होता केवल परिमाण होता है तो उसे हम लोग अदिश कहते हैं। तो साथियों यहाँ पर लिफ्ट जो होती है इसमें दिशा होती है, आप लोग जानते हैं लिफ्ट में दिशा होती है, और ये साथियों यह थ्रस्ट जो है, थ्रस्ट का मतलब साथियों एक तरह का जो है वो झटका होता है, विस्फोट होता है, तो उसमें भी दिशा होती है। ड्रैग का मतलब ये, ड्रैग यहाँ पर क्या है साथियों, ये भी एक तरह का जो है जैसे हो जाता है, तो इसमें भी ये भी सदिश राशि है। एंट्रोपी यहाँ पर जो दिया है, ये एंट्रोपी में दिशा नहीं होती। एंट्रोपी क्या होता है, जैसे जो एनर्जी किसी काम के नहीं होती है तो उसको मापने के लिए एंट्रोपी की जरूरत पड़ती, उसका एक तरह का माप होता है, जो फालतू की एनर्जी होती है उसका माप जो होता है यही एंट्रोपी हम लोग कहते हैं। तो एंट्रोपी में दिशा नहीं होती है, याद रखिएगा। आगे हम लोग अगर देखें यहां पर छठवें में, छठवें में क्या आपसे कह रहे हैं, नीचे दिए गए दो कथन है और कारण है, ये कथन दे दिया है और ये कारण है, तो इसको आपको अच्छे से जो है उत्तर देना है पढ़कर। तो चलिए आप लोग उत्तर दीजिए, कैसे देंगे पढ़ना पड़ेगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करती है। यस मेरे भाई, बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सही बात है। और गुरुत्वाकर्षण के
अभिकेंद्री बल के कारण पृथ्वी अंडाकार आकार में सूर्य की परिक्रमा करती है। यस मेरे भाई, जो ये कह रहा है यह इसका कारण है, यानी प्रथम का दोनों सही है और ये इसका एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो चले हम लोग देखते हैं ये इसका क्या कह रहा है। इसका अगले पेज पर है ये, तो यहां पर साथियों मैंने यही कहा था बी होगा उत्तर इसका, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। आगे चले हम लोग देखते हैं सातवें में, सिंपल सा सवाल, न्यूटन के तीसरा गति विषयक नियम से जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर हटना या पीछे की ओर जो झटका देती है तो क्यों देती है, वो क्यों होता है। तो साथियों न्यूटन का ये गति विषयक का तीसरा नियम होता है जिसे हम लोग एक्शन और रिएक्शन का नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। यानी जिसको आप जितना तेजी से चोट करोगे वह भी आपको उतना तेजी से जो है चोट करेगा, बल लगाएगा। तो यही हो गया, ये तीसरा नियम हो गया। आगे हम लोग देखते हैं आठवें में, साथियों देखते हैं आठवां में, थोड़ा सा क्वेश्चन को प्रिंटिंग में मिसप्रिंट हो गई है लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है। ये दो सूची है मिलान वाला, तो मिलाने में साथियों यहाँ पर जरा सा भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग साथियों देखते हैं मिलाने वाले में, एक तरफ यहाँ पर आपको कुछ मेजरमेंट दे दिए गए हैं यहाँ पर, और दूसरी तरफ उनका एसआई मात्रक दे दिया है यहाँ पर। तो कौन से मेजरमेंट का कौन सा एसआई मात्रक होगा उसी को मिला देना है। तो साथियों जो श्यानता होती है इसका नियम क्या होता है, पास्कल पर सेकेंड होता है। ये कहाँ जाएगा, ये पास्कल पर सेकेंड आ जाएगा श्यानता का। और मास जो द्रव्यमान होता है इसका साथियों ओन्स होता है, एक मात्रक इसका ओन्स हो जाएगा। और पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा मोल होती है सबको मालूम है साथियों, अमाउंट ऑफ सब्सटेंट मोल हो जाएगा। और बचा है एक आपका जो है आयतन, तो आयतन को गैलन से नापा जाता है, जैसे आप लोग कच्चा तेल वगैरह लाते हैं तो गैलन में ही लगभग नापा जाता है। तो ये हो गया, तो यहाँ पर आपका उत्तर कौन सा बन रहा है, ए वाला जो है आपका दो पर गया, ए वाला दो पर गया, बी वाला एक पर, तो सी बन रहा है, डी वाला तीन पर गया, तो सी उत्तर बन रहा है। बहुत अच्छा, आगे चले हम लोग नौ में देखते हैं क्या है नौ में। साथियों बहुत अच्छा सवाल है ये, कौन सा दर्पण पनडुब्बी में इस्तेमाल होने वाले पेरीस्कोप में लेंस के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी जो पनडुब्बी में इस्तेमाल पेरीस्कोप होता है उसमें लेंस के रूप में कौन सा दर्पण इस्तेमाल होता है साथियों, तो उसमें समतल दर्पण का निर्माण होता है साथियों, प्लेन मिरर जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। ये आपका उत्तर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, देखें अच्छा बहुत अच्छा सवाल है साथियों ये, अब बहुत सरल होता है, हाई स्कूल में हम लोग को पढ़ने को मिला होगा, ये बहुत सिंपल होता है लेकिन लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, दूरदृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष में मानव नेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है, इन चारों कथनों में पढ़ के बताना है। तो साथियों आप लोग को पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, जो दूरदृष्टि दोष देखने में तो ऐसा लग रहा है इसी में दोष दूर होगा, दूर की नहीं दिखाई देती होगी, लेकिन नहीं, जब भी आपके सामने दूर दृष्टि दोष आए तो इसका मतलब समझ लीजिए दूर का दिखाई देता है नजदीक का नहीं दिखाई देता है, और दूर का दिखाई जब दे नजदीक का न दिखाई दे तो उसमें जो है उत्तल लेंस लगता है। और निकट दृष्टि दोष जब होता है साथियों, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट के दिखाई देता है दूर का नहीं दिखाई देता है, उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा, जब दूर का नहीं दिखाई देता है तो उसमें जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो साथियों दिया है हमारे दसवें वाले प्रश्न में, तो यहाँ कहा है कौन सा कथन सत्य है, निकट दृष्टि दोष से दोष पीड़ित व्यक्ति के पास की वस्तुएं को अस्पष्ट रूप से देख सकता है। तो साथियों ये बात तो मतलब क्या कह रहा है, मानव नेत्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है उसको पूछा है। तो निकट दृष्टि दोष से जो व्यक्ति पीड़ित होता है पास की वस्तुओं को अस्पष्ट रूप से देख सकता है, यस ये तो बात सही है, दूर दृष्टि दोष आंखों में दूर की वस्तुएं अस्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, ये भी बात सत्य है। और ये क्या है, द्विभिक लेंस का उपयोग करके दृष्टि वैषम्य को ठीक किया जा सकता है, यस। तो यहां पर साथियों ये तो ये वाला गलत है, यहां पर ए और बी दोनों सही है, डी वाला यहाँ उत्तर होगा, जो मैंने पहले बताया यही दोनों बातें, तो ये दोनों बातें यहाँ पर दोनों फिट बैठ रही हैं, ए और बी दोनों सही है। आगे चले हम लोग,
आगे देखें क्या है 11 में हमारा। 11 में साथियों वही बात दिया है। यहां अभी मैंने आपको जब जनरेटर वाला मामला बता रहा था तो उस समय मैं आपको एक्सप्लेन किया था कि डायनमो और विद्युत मोटर दोनों एक दूसरे के उल्टे सिद्धांत पर काम करते हैं। डायनमो होता है आपको यांत्रिक ऊर्जा लेता है और आपको विद्युत ऊर्जा देता है, और विद्युत मोटर जो है साथियों एक ऐसी उपकरण होती है जो आपको विद्युत लेकर यांत्रिक ऊर्जा देती है। जैसे पंखा हो गया, मोटर हो गई, समरसिबल हो गया, कूलर हो गए, ये सब जो होते हैं आपको विद्युत लेते हैं और यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, और डायनमो तो इसका उल्टा होती है। आगे देखें हम लोग 12 में साथियों। 12 में क्या है हमारा, 12 में साथियों क्या पूछ रहे हैं, यहां देखते हैं। इसमें आपको कह रहा है कि सापेक्षता के सिद्धांत, सापेक्षता के विशेष सिद्धांत में अल्बर्ट आइंस्टीन ने किसके बीच संबंध स्थापित किया। तो कभी कभी आपको ऐसा पूछ लेगा सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप बता देना कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। इसमें एक फार्मूला है साथियों, ई बराबर एम सी स्क्वायर। तो इसमें कह रहा है ये सी क्या है, प्रकाश की गति है, ये क्या है, द्रव्यमान है, ये ऊर्जा है। यानी इसने जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया ये बताया कि ऊर्जा जो होती है वह द्रव्यमान और प्रकाश की गति का जो वर्ग, दोनों का गुणक जो है वो एनर्जी के बराबर होती है। तो इसमें कह रहा है कि आइंस्टीन ने किसके संबंध में स्थापित किया था सापेक्षता का सिद्धांत। तो इनमें आपको संबंध पूछ रहा है, तो कौन सा संबंध यहाँ आपका सही होगा ये आपको बताना है साथियों। बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये, ऐसे सवाल कई सारे आते हैं और बच्चे जो है वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 12 का जो आपका उत्तर होना चाहिए वो सी होना चाहिए, द्रव्यमान और ऊर्जा का, यही है, यही तो है यहां पर। आगे देखें हम लोग, ये आगे 13 है हम लोगों का। 13वें में क्या है साथियों, शुष्क बर्फ से संबंधित सवाल है, हम लोग बहुत सारा इसको पढ़े हैं। शुष्क बर्फ के संबंध में आपको कौन सा कथन सत्य है, ध्यान रहे जो सत्य पूछ रहा है, असत्य नहीं, कभी कभी असत्य भी पूछ लेगा तो कंफ्यूज ना होइएगा। तो कौन सा कथन सत्य है यहां पर हमें बताना है। तो आपको मालूम है साथियों शुष्क बर्फ जो होती है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो -78 75 पर ऊर्ध्वपातित होती है। तो विकल्प नंबर ए आपका शुष्क बर्फ के संबंध में सही है। शुष्क बर्फ क्या होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यही होती है। तो आगे हम लोग देखते हैं 14 में क्या है, 14 में क्या कह रहे हैं साथियों। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में अधिकतम ऊर्जा होती है। तो ऐसी कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण जिसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं इंग्लिश में, तो किस EMR में जो मैक्सिमम एनर्जी होती है वो आपसे जानना चाह रहा है। तो साथियों यहां पर जो दिया हुआ है इसमें सबसे ज्यादा एक्सरे में होती है, विकल्प नंबर ये आपका डी हो जाएगा। तो ये आपका डी हो जाएगा, इसमें सबसे ज्यादा होती है इन चारों में। आगे हम लोग देखते हैं 15 में क्या है। 15 में साथियों आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वर्ष 2023 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं किए थे। साथियों बहुत ही अच्छा करंट का सवाल है, भौतिकी में यानी फिजिक्स में किसको नोबेल पुरस्कार सन 2023 वाला नहीं मिला था। तो साथियों आप लोग को मालूम है तीन लोगों को मिला था। तो वो तीन लोग थे, क्या थे, ए पियरे थे और फेरेंक थे और एनी थे। यानी इसका एक ट्रिक होता है PPA, क्या हो जाएगा, पियरे फेरेंक एनी, तो ये तीनों लोग थे। तो यानी विकल्प इसमें से कोई नहीं। तो किसने प्राप्त किया था 2023 में भौतिक का नोबल पुरस्कार, प्राप्तकर्ता नहीं था, यानी तीनों थे, तो इसका मतलब उत्तर डी हो जाएगा आपका। 16 में देखते हैं क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो साथियों विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 1971 में किया गया था, विकल्प नंबर बी हो जाएगा आपका। आगे देखें हम लोग 17 में क्या रखा है, कह रहा है 17 वाले में देखें, बहुत अच्छा सवाल। यहां पर आपको कुछ उपकरण दिए गए हैं, उन उपकरण में कौन सा विद्युत
चुंबकीय विकिरण यानी कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है उसे आपको मिलाकर सेट में अच्छे से बताना है किसमें कौन सा रेडिएशन निकलता है। बहुत अच्छा सवाल है साथियों। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे को नाइट विजन उपकरण, यहाँ पर जो ये हो गया जो आपको सबसे अच्छे पहले सबसे ज्यादा क्लियर हो उसी को मिला दीजिए। तो गुर्दे की पथरी का पता लगाने के लिए हम लोग साथियों पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। तो पराश्रव्य तरंग ये हो जाएगा यानी डी वाला दो पर होना चाहिए। तो डी वाला दो कहाँ है, देखो ए में है, हमने उत्तर पता लगा लिया क्योंकि एक हमें क्लियर था, हाँ ये वाला तो 100% सही है और डी में दो पर केवल यही था और कहीं ऐसा नहीं है जो डी पर दो हो, तो इसका मतलब उत्तर यही होगा। हम आराम से यहाँ समय बचाकर निकल सकते हैं लेकिन जानकारी के लिए हमें तो मिलाना ही पड़ेगा, हम तो पढ़ा रहे हैं आपको। और साथियों यहाँ पर जो है ये ऑप्टिकल फाइबर जो होता है यहाँ पर विजिबल लाइट का उपयोग किया जाता है तो ये दृश्य प्रकाश हो जाएगा। और ये वाला जो है हमारा बी वाला वो तीन पर चलाएगा सूक्ष्म तरंगे नाइट विजन उपकरण में जो रात को देखने के लिए लगाए जाते हैं जैसे कैमरे वगैरह में लगाए जाते हैं तो सूक्ष्म तरंगे होती हैं। और बचा एक हमारा आपका क्या हो जाएगा विमान नेविगेशन में ये अवरक्त हो जाएगा। तो ये वाला हमारा ये हो गया। आगे हम लोग देखते हैं 18 में क्या है, 18 में क्या है साथियों, वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था, क्या क्या कह रहा है वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था ये आपसे जानना चाह रहा है। तो 1958 में प्रस्तुत किया गया था वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव, कब किया गया था 1958 में। तो आगे चले हम लोग देखते हैं 19 में क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से निर्वात में गमन नहीं कर सकती, निर्वात मतलब जहां वायु न हो, तो जहां वायु न हो तो निर्वात में गमन नहीं कर सकती है, कौन नहीं गमन कर सकता है साथियों, प्रकाश के लिए वायु का कोई मतलब नहीं, चाहे वायु रहे ना रहे प्रकाश तो चले जाएगा। ये साथियों जो ध्वनि होती है विकल्प नंबर बी में दिया है यही निर्वात में नहीं गमन कर सकती, यहाँ जहां यानी कि जहां हवा नहीं है वहां वायु नहीं चल सकती, जहां हवा नहीं होगा तो हम एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते, हम लोग डीजे बजाएंगे लेकिन हमें सुनाई नहीं देगा क्योंकि वो उसके एयर मॉलिक्यूल जो होते हैं वही कंपन करके हमारे कानों पर सेंस करते हैं तो हम सुन पाते हैं। तो बी हो जाएगा निर्वात में ये गमन नहीं कर सकती, नहीं चल सकती। तो साथियों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या कह रहा है आपसे कौन सा पदार्थ शुद्ध नहीं है। तो कौन सा पदार्थ शुद्ध नहीं है, आपको मालूम है वायु शुद्ध नहीं है, तीन शुद्ध हैं एक शुद्ध नहीं है, जल भी शुद्ध है, अमोनिया भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, यहाँ जो वायु है यही शुद्ध नहीं है, इसमें बहुत तरह के जो है इसमें इम्प्योरिटी होती है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा डी वाला, 20 का डी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं अगर 21 वाले में, 21 वाले में क्या कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने परमाणु को एक अविभाज्य कण के रूप में प्रस्तुत किया था। तो ऐसे कौन से वैज्ञानिक हैं जो परमाणु को कहे कि हाँ भाई परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, ये अविभाज्य कण है। तो ऐसा किसने किया था साथियों, जो डाल्टन ने, आप लोग पढ़े होंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कक्षा 11 में, हो सकता हम तो पढ़े थे, आप लोग को नहीं पता नहीं इंटर्न पढ़ाया गया था 11 में, जो हम लोग थे तो हम लोग को 11वीं में ये चीज पढ़ाई गई थी पहली बार। आगे देखें हम लोग, तो साथियों बहुत ही अच्छा सवाल है ये सवाल, कई सारे एग्जाम में खूब दबा कर पूछा जाता है ये क्वेश्चन नंबर 22 वाला। तो कुछ एसिड है, तो कुछ पदार्थ है, किस पदार्थ में कौन सी एसिड पाई जाती है ये आपको मिलाकर जो है बताना होता है। तो आप लोग को मालूम होगा साथियों यहाँ पर जो है जो चीजें दिया गया है, तो नींबू का रस दिया है, सिरका दिया है, तो सिरका में साथियों आप लोग जानते हैं क्या पाया जाता है यहाँ, ये इमली, खट्टा दूध हो गया, खट्टा दूध यानी खट्टा दूध में क्या पाया जाता है लैक्टिक एसिड, जो हमें जब सबसे ज्यादा क्लियर है हम उसी को मिला दें पहले, तो ये हम मिला दिए। और इमली में टार्टरिक एसिड पाई जाती है तो ये हम मिला दिए, यानी डी वाला हमारा 4 पे, सी वाला 3 पे, और ये वाला हमारा 3 पे आ जाएगा। और जो है हमारा सिरका साथियों, सिरका हमारा कहाँ पे जाना चाहिए, ये तो सी डी यहाँ पर आ जाएगा, ऐसा देखें कहाँ है,
तो ऐसा यहां पर दिखाई दे रहा है, हमें उत्तर पता चल गया दो हमें, क्योंकि क्लियर था इमली टार्टरिक एसिड और ये डी वाला जो है ये लैक्टिक एसिड, तो इसका मतलब उत्तर आपका बी होना चाहिए। ए वाला नींबू में क्या हो जाएगा, स्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा और सिरका में ये एथनोइक अम्ल हो जाएगा। तो हालांकि एथनोइक कहीं कहीं सिरका में आपसे जो है ये दूसरा होता है, यहाँ पर तो एथनोइक दे दिया है, फिलहाल इसके हिसाब से तो उत्तर बी ही होगा। आगे देखें 23 वाले में क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है, यानी सबसे ताकतवर एसिड निम्नलिखित में से कौन है। तो साथियों आप लोग को मालूम होगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम लोग HCl बोलते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये दोनों को बहुत ही पावरफुल एसिड बोला जाता है। ये दोनों जो होते हैं जो अधिकतर तेजाब जो बनाए जाते हैं इन्हीं के सहारे बनाए जाते हैं, तो ये सब ताकतवर नहीं है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, 23 का यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा, 23 का सी हो जाएगा। आगे देखें 24 में, तो 24 में साथियों क्या गजब का सवाल दिया है आपसे, आपसे एक कथन दिया है और एक कारण दिया है, इन दोनों को पढ़कर आपको बताइए कि सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर आपको बताना है, तो चलिए बताना है सही उत्तर, तो कैसे बताएंगे देखें। कथन में आपसे कह रहा है कि जलीय यानी एक्वस सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान क्लोरीन का उत्पादन करता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान क्लोरीन का उत्पादन करता है, यह साथियों बिल्कुल सही है। जो NaCl एक्वस एक्वस NaCl जो होता है उसका आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो ये क्लोरीन निकल जाता है, आपको क्लोरीन मिलेगा, और क्लोरीन इस क्लोरीन गैस का जो उपयोग ब्लीचिंग पाउडर में किया जाता है, यस। तो दोनों बातें सही हैं, तो इसीलिए किया जाता है इसका, तो इसका एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आपका ये तो मतलब दोनों सही हैं, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो मतलब ये दोनों बातें सही हैं, ये भी सही है ये भी, लेकिन ये इसका कारण या इसके एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ये सी वाला आपका उत्तर सही है, 24 का सी। आगे अगर हम लोग देखें 25 वाले में, तो 25 में आपसे क्या कह रहे हैं, 25 में साथियों आपसे कहा जा रहा है कि आयनिक यौगिक के संदर्भ में, आयनिक कंपाउंड के संदर्भ में दो कथन दे दिए गए हैं आपको, इन दोनों कथनों को पढ़कर सही उत्तर का चयन करना है। तो कैसे करेंगे चयन, चलिए पढ़ लेते हैं, पढ़ लेंगे तो हम चयन कर लेंगे, तो चले हम लोग पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो ये आमतौर पर प्रकृति में भंगुर होते हैं, यानी आयनिक यौगिक जो होते हैं ये भंगुर होते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं, तो ये बात सही है पहला वाला। इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, यह साथियों जो प्रकृति में भंगुर होते हैं आयनिक होते हैं तो उनका गलनांक और क्वथनांक यानी वो गलते हैं भी बहुत ज्यादा, गलने के लिए भी उनको टेम्परेचर बहुत घटाना करना पड़ेगा, और उनको उबाल मतलब उनको क्वथनांक के लिए भी ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो दोनों बातें सही हैं, तो यहाँ ए हो जाएगा, 25 का ए हो जाएगा आपका, आयनिक यौगिक का गलनांक क्वथनांक भी हाई होता है। देखें बहुत अच्छा सवाल है, अगर आप लोग थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक के बारे में जानते होंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट वगैरह जोड़ी जाती हैं वो सोल्डर का प्रयोग करके जोड़ा जाता है, मैं तो ये बहुत किया हूँ, मुझे अनुभव है इसका। तो जो सोल्डर में एक रांगा होता है, उसका नाम रांगा होता है, पतला सा चांदी जैसा तार होता है, वो इसी को गला कर जोड़ा जाता है, तो रांगा यानी सोल्डर एक मिश्र धातु होती है, तो क्या मिलाकर वो बनाई जाती है ये पूछ रहा है, तो सीसा और टिन मिलाकर वो बनाया जाता है, तो विकल्प नंबर ये सी हो जाएगा, सीसा और टिन का वो मिश्र धातु होती है जो सोल्डरिंग में प्रयोग की जाती है, जिसे रांगा भी कहा जाता है। 27 में क्या है, निम्नलिखित में से किसे पिक्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, तो पिक्रिक अम्ल से साथियों TNP को जाना जाता है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक एसिड के नाम से जाना जाता है, विकल्प नंबर डी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। आगे देखें हम लोग अब 28 में, तो 28वें में यहां पर क्या दिया है साथियों, वही मिलाने वाला प्रश्न है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा साथियों, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा है तो आपको दिखाई तो दे ही रहा होगा। तो यहाँ पर कुछ आपको केमिकल्स दिए गए हैं, इन केमिकल्स का में मतलब ये क्या होते हैं इसमें बताना है, मतलब उनका एक रासायनिक नाम के आगे है तो उसको हमें मिला देना है, ये सामान्य नाम है और यहाँ पर एक केमिकल नाम है,
तो इन दोनों को मिलाना है, तो कैसे मिलाएंगे, चलिए हम लोग शुरू करते हैं मिलाने के लिए। तो देखें, ये वाला आपका जो है कीटनाशक, कीटनाशी को ये हो गया, और कवकनाशी, शाकनाशी, कृंतकनाशी, तो ये सब जो है साथियों, ये आपका कीटनाशी जो है एल्युमिनियम फास्फेट, इस पे आ जाएगा। और कवकनाशी, कवकनाशी कहाँ पर जाएगा, ये आ जाएगा आपके ये बोर्डो मिश्रण पर। और शाकनाशी कहाँ पर जाएगा, ये चला आएगा बेंजीप्राम पर। और एक ये बचा है, ये आ जाएगा एल्युमिनियम फास्फाइड पर। तो इसका मतलब ये सी वाला आपका सेट तैयार हो रहा है, तो सी वाला आपका उत्तर होगा यहाँ पर। आगे हम लोग देखें, अगर 29 वाले में, 29 वाले में यहाँ पर क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक नाम, एक तरफ रासायनिक नाम है और एक तरफ सामान्य नाम है, एक तरफ, और एक तरफ रासायनिक नाम है, यानी यहाँ सामान्य नाम, यहाँ रासायनिक नाम, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तीन सुमेलित हैं, एक सही सुमेलित नहीं है, तो उसी को बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो साथियों यहाँ पर ये वाला क्या है, ब्रिमस्टोन, तो इसको सल्फर होता है, ये तो सही है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये सही है। ये एप्सम साल्ट जो होता है साथियों, इसका सोडियम परबोरेट नहीं होता है, यही गलत है, तो विकल्प नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा। एप्सम साल्ट जो होता है साथियों, ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है, सोडियम पर मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, तो यही होता है। और जिप्सम का तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, और अल्कोहल का तो इथेनॉल, तो ये सब सही है, बी वाला ही गड़बड़ था। आगे देखें हम लोग 30 का, ठोस का तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा, सॉरी साथियों यहाँ पर क्या, देखो क्या कह रहा है, ये ठोस यानी जो सॉलिड है, जो सॉलिड है उनका अगर हम लोग तापमान बढ़ाएंगे तो उनके कणों की गतिज ऊर्जा क्या होगी साथियों, बढ़ेगी, सीधी सी बात है, घटेगी थोड़ी ना, तो उनका तापमान जब बढ़ाएंगे तो उनके जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो ये है आपका सी हो जाएगा उत्तर में, सामान्य सी बात है, हम लोग पढ़े हैं खूब। 31 में क्या कह रहा है साथियों, 31 में भी वही है, कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो एक तरफ जो कुछ ये तत्व तो दिए गए हैं इधर, और उसके जो है खोजकर्ता के नाम है, तो कौन सा ये मिस मैच है उसे आपको बताना है, मिस मैच में, तो देखिए लिथियम की खोज जो किए हैं साथियों, ये जोहान ऑगस्ट, ये ऐसे JAA जाने किया है, तो लिथियम जोहान ऑगस्ट अर्फ वेडसन ने किया है, रूबिडियम रॉबर्ट, नाम से ही है, रूबिडियम रॉबर्ट बंसन, फ्रांसियम मार्गुराइट पेरे, ये तीनों सही हैं, ये डी वाला ही यहाँ पर गड़बड़ है साथियों, ये डी वाला यहाँ पर गलत है, तो ये जो ब्रोमीन दे दिया है साथियों, ब्रोमीन के खोज साथियों ये हुई थी, जो इनका नाम था बलार्ड करके, इनका नाम था बलार्ड, बलार्ड करके इनका नाम था, और ये खोज किए थे 1826 में, तो यही वाला गलत था, बाकी सब सही है। आगे देखें अगर, तो ये क्वेश्चन में साथियों यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है हमारा 31 था, ये 32 होना चाहिए, ये क्वेश्चन नंबर ये 32 होगा, होना चाहिए यहाँ पर, कह रहा है रेनकोट के निर्माण में, हम लोग जो रेनकोट पहनते हैं वर्षा के दौरान, तो इसमें किस पॉलीमर का उपयोग किया जाता है, तो पॉलीमर का उपयोग किया जाता है ये तो हम सब लोग जानते हैं, तो उसमें किस पॉलीमर का उपयोग किया जाता है ये हमसे पूछना चाह रहे हैं, तो इसमें साथियों क्या होता है, PVC होता है, जैसे जो प्लास्टिक की पाइप आप लोग देखते हैं वो भी PVC की होती है, तो वही जो रेनकोट भी पॉलीविनाइल क्लोराइड की होती है, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। आप अगर पाइप वाइप ले आएंगे देखेंगे तो उसपे PVC, आप लोग कहते हैं ना हमें PVC की पाइप दीजिए, तो यहाँ पर ये होगा। आगे अगर हम लोग इसको देखना चाहें तो ये 33 में हमसे क्या पूछ रहे हैं, ये जो कुछ मेटल्स है यहाँ पर, तो मेटल्स के संबंध में कौन सा कथन हमारे यहाँ पर सही नहीं है,
मतलब सही नहीं है, यहाँ पर आप कंफ्यूज ना होइएगा। यहाँ पर बहुत से सारे बच्चे जो होते हैं उनको लगता है कि सही पूछ रहा है और वो आता हुआ प्रश्न को गलत करके आते हैं, तो कौन सा सही नहीं है इस पर आपको ट्रिक करना है। तो चलिए दबाइए अपना ट्रिगर, स्टार्ट करिए, देखिए कौन सा सही नहीं है। तो धातुओं के संबंध में वे मूल ऑक्साइड होते हैं, तो वे मूल ऑक्साइड होते हैं, तो ये बात सही है, मूल ऑक्साइड बनाते हैं, तो ये बात तो सही है। धातुओं के संबंध में उनकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, यह साथ ही उनकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो है, तो ये भी बात सही है इनके संबंध में। तो ये सॉरी मैंने गलत, ये तो उसे धातुओं के संबंध में पूछ रहा है ना, तो विद्युत ऋणात्मकता कम होती है साथियों, ये बात सही नहीं है, ये बी वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इसमें कुछ मिसप्रिंटिंग दे दिया है यहाँ पर क्या क्या शब्द करके, तो यहाँ पर ये बी वाला जो है गलत हो जाएगा यहाँ पर, तो ये एक वाला एक सही है, तो लेकिन हमसे गलत पूछा कौन सा सही नहीं है, तो बी वाला सही नहीं है, उनकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक नहीं होती है, और ये बाकी ये भी सही है। आगे देखें 34 में क्या कह रहे हैं, समतापी प्रक्रिया हुआ है जिसमें समतापी प्रक्रिया यानी एक जो है नॉर्मल थर्म एक इक्वल टेम्परेचर की बात कर रहा है समतापी प्रक्रिया के बारे में, तो जिसे हम लोग इंग्लिश में इसका एक थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो समतापी प्रक्रिया क्या है ये आपसे जानना चाह रहा है, तो परिवर्तन के दौरान तंत्र का तापमान स्थिर रहता है यानी इक्विलिब्रियम में हम वही बोलते हैं, विकल्प नंबर ए आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री 11 में, तो ज्यादातर जो सामान्य विज्ञान होता है 11th और 12th से ही संबंधित होता है, उसके आगे का नहीं पूछता। तो परिवर्तन के दौरान जो तंत्र यानी सिस्टम होता है उसका तापमान कॉन्स्टेंट रहे स्थिर रहे। 35 में निम्नलिखित में से क्लोरीन का सबसे आम यौगिक कौन सा है, तो क्लोरीन साथियों यही क्लोरीन का Cl का सबसे आम यानी सबसे प्रचलित यौगिक यानी सबसे प्रचलित कंपाउंड कौन सा है ये आपसे जानना चाह रहे हैं 35 वाले में, तो सोडियम क्लोराइड वही नमक साथियों NaCl, इसमें कोई डाउट नहीं विकल्प नंबर बी। आगे देखें अमोनिया किससे निर्मित की जाती है, अमोनिया का निर्माण किससे किया जाता है ये आपसे जानना चाह रहे हैं, तो साथियों अमोनिया का निर्माण जो होता है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के सहयोग से होता है, विकल्प नंबर यहाँ पर ये डी हो जाएगा, तो नाइट्रोजन और हाइमोनियम का विशेष परिस्थिति में रिएक्शन कराकर अमोनिया का निर्माण किया जाता है। आगे देखें आप लोग पढ़े होंगे सिंपल सा प्रश्न है ये, साबुन में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार पाया जाता है, तो साबुन में कौन सा क्षार यानी बेस पाया जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो साथियों यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये साबुन में पाया जाता है आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो विकल्प नंबर आपका ये, या कहीं कहीं आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी रहे तो भी लगा देना, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH या फिर NaOH रहे तो भी लगा देना, तो दोनों हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, तो हमारा ये हो जाएगा, ये मिसप्रिंट है यहाँ पर, 38 होना चाहिए हमारा, 38 क्वेश्चन है ये रासायनिक परिवर्तन का। तो साथियों यहाँ पर कुछ दिया था उसमें पूछना चाह रहा है रासायनिक परिवर्तन के बारे में कुछ कहना चाह रहा था, तो रासायनिक परिवर्तन इसमें क्या है, तो साथियों शराब का वाष्पित होना ये रासायनिक परिवर्तन तो नहीं है, ये तो भौतिक परिवर्तन है, एल्युमिनियम फाइल सीट का मुड़ना वो भी भौतिक परिवर्तन है, ये बर्फ की कार्बन डाइऑक्साइड में यानी शुष्क बर्फ का कार्बन डाइऑक्साइड में वाष्प के रूप में उत्पतन यानी ये भी तो आपका भौतिक परिवर्तन ही है, लोहे पर जंग लगना, जी साथियों ये आपका
रासायनिक परिवर्तन है, यही आपका उत्तर होगा। तो आप कैसे पहचानेंगे कौन सा भौतिक रिएक्शन है, कौन सा जो है फिजिकल यानी कौन सा जो है केमिकल रिएक्शन है? तो साथियों यहाँ पर देखिएगा, ये रासायनिक परिवर्तन इसलिए कहा गया क्योंकि जो एक बार हो जाती है फिर अपनी लौट कर नहीं आए, लौट कर नहीं हो, तो उसे हम लोग जो है रासायनिक केमिकल कह रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, रासायनिक रिएक्शन केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लग गया वो, यानी जैसे हम लोग दूध से दही बना दिए, फिर दही से दूध नहीं हो सकता, तो इसी प्रकार ये जंग वाला भी है, तो ये केमिकल हो गया। और जो दोनों ओर हो सके वो भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे ये लोग हैं, जैसे पानी से भाप बना दो, भाप को इकट्ठा कर पानी बना दो, तो इस तरह से पानी को बर्फ बना दो, बर्फ से पानी बना दो, तो ये सब जो है आपके भौतिक परिवर्तन है। आगे अगर हम लोग देखें 39 में, तो 39 में आपसे क्या पूछ रहे हैं, मिश्र धातुओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो मिश्र धातु के संबंध में आपको जो है दो कथन दे दिए गए हैं, इन दोनों कथनों को पढ़कर आपको उत्तर देना है यहाँ पर। तो चले हम लोग 39 का उत्तर दें। पहला पढ़ते हैं, ये अपनी घटक धातुओं की तुलना में अधिक कठोर होते हैं। तो यह साथियों जिन घटक धातुओं से बने होते हैं, अगर कई नॉर्मल या कोमल धातुओं को मिलाकर आप मिश्र धातु बना देंगे, तो मिश्र धातु जो है अपने जो जिससे बने होते हैं उन सबसे कठोर हो जाते हैं। तो ये बात सही है, ये उन धातुओं की तुलना में अधिक सतत यानी टिकाऊ होते हैं जिससे वे निर्मित होते हैं। यस साथियों, यानी वो लोग टिकाऊ नहीं रहते हैं, लेकिन उन्हीं सबको मिलाकर मिश्र धातु बना देंगे तो टिकाऊ हो जाएगा। दोनों बातें सही है यहाँ पर। तो जो ये आपका 39 का उत्तर होगा ये सी हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। आगे देखें हम लोग 40 में, तो 40 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, नीचे दिए गए एक कथन है और एक कारण है, इन दोनों को पढ़ के आपको अच्छे से सही उत्तर देना है। यहाँ क्या कह रहा है, इन दोनों को सही उत्तर देना है, यहाँ लिखा है सही उत्तर। तो देखें सही उत्तर हम लोग कैसे देंगे, तो हमको पढ़ना पड़ेगा पहले। तो श्वेत फास्फोरस यानी व्हाइट फास्फोरस का उपयोग सैन्य उद्देश्य के लिए ग्रेनेड में प्रतिदीप्त उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो यह साथियों ग्रेनेड मतलब एक तरह का एक ग्रेनेड बम होता है, जो मतलब बम वगैरह में उसमें किया जाता है। तो ये वाली बात सही है, सफेद फास्फोरस का उपयोग किया जाता है वहां पर। फास्फोरस का उपयोग डिटर्जेंट निर्माण के लिए भी किया जाता है। यस देखें दोनों बातें सही हैं, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये अपने अपने जगह पर दोनों सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ सी वाला उत्तर होगा, दोनों सही हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा। 41 में हम लोग अगर देखें, वर्ष 2025 में BWF विश्व जूनियर चैंपियन के लिए किस शहर में मेजबान घोषित किस शहर को मेजबान घोषित किया गया है? तो इसमें जो है 2025 में BWF विश्व जूनियर चैंपियन के लिए किस शहर को मेजबान शहर घोषित किया गया है, ये आपसे पूछ रहे हैं 41 वाले में। तो गुवाहाटी असम में है, तो गुवाहाटी को घोषित किया गया है। तो 42 में क्या पूछ रहे हैं, हाल ही में चर्चा में रहा तामजा ब्लू होल, अब करंट अफेयर्स से चीजें आ रही हैं आपकी, तामजा ब्लू होल किससे संबंधित है? तो साथियों यह मेक्सिको के चेलुमल खाड़ी के आसपास पाया जाने वाला एक स्थलाकृति का सबसे गहरा सिंक होल है। तो विकल्प नंबर ए यही आपका उत्तर है ये वाला। तो साथियों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, इसमें बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अभी यह चर्चा में बहुत तेजी था जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तो इसमें पूछ रहा है साथियों आपसे, कह रहा है कोविशील्ड वैक्सीन जो है उसको लगवाने वाले में कुछ व्यक्तियों में एक दुर्लभ है यानी कुछ कुछ व्यक्तियों में महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव देखा गया था, तो निम्नलिखित में से कौन सा सिंड्रोम अनुभव किया गया? तो साथियों बहुत ही अच्छा सवाल है, जो उस समय अनुभव किया गया था, जो उस समय समस्या थी यह TTS की समस्या को लेकर थी, थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो साथियों यह क्या है, यह खून के थक्के से संबंधित है, और कोर्ट ये मामला जब कोविशील्ड वैक्सीन का, ये ब्रिटेन की कंपनी है एस्ट्राजेनिका, तो एस्ट्राजेनिका इसको बनाने वाली कंपनी थी, तो जिन व्यक्तियों को ये मतलब कोविशील्ड वैक्सीन लगा था उनमें यह
टीटीएस का प्रभाव देखने को मिला था, तो ये मामला ब्रिटेन की कोर्ट में गया, तो ब्रिटेन की कोर्ट ने स्वीकार किया कि हाँ इससे जो है यह खून के थक्के से संबंधित ये बीमारियां फैल रही हैं कुछ व्यक्तियों में, जिसके कारण हार्ट अटैक और जो है ब्रेन हैमरेज हो रहा है, ये सबकी बीमारी। तो यही है साथियों, कुछ व्यक्तियों में जो ये दुर्लभ समस्या देखने को मिली थी तो ये टीटीएस की समस्या थी, विकल्प नंबर बी हो गया। बहुत अच्छा, आगे देखें हम लोग, देखें क्या गजब का सवाल है साथियों। अभी करंट अफेयर्स का आने वाला है क्वेश्चन, आप लोग एकदम तैयार हो जाइए, मिस ना करिएगा उसे। देखते हैं हम लोग 44 में, वेस्ट नाइल बुखार, वेस्ट नाइल बुखार से संबंधित किस रोग वाहक के कारण होता है? तो साथियों ये मच्छर के द्वारा होता है, हम लोग को मालूम है डेंगू, वेस्ट नाइल बुखार, मलेरिया, ये सब मच्छर के द्वारा होते हैं, अलग अलग मच्छरों के जो टाइप्स हैं। तो एडीज जो है साथियों, इससे तो डेंगू होता है, और एनोफिलीज जो है इससे तो मलेरिया होता है, इन दोनों को आप पहले निकाल दीजिए। और ये जो वेस्ट नाइल बुखार है इसे क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है, विकल्प नंबर बी हो जाएगा ये वाला। आगे हम लोग चले देखें 45 में, देखें ये संधि से संबंधित है, 46वीं अटलांटिक संधि परामर्श बैठक कि निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई? तो साथियों ये भारत में आयोजित की गई, ये कोच्चि में, कोच्चि कहाँ है? केरल में, विकल्प नंबर सी हो जाएगा आपका। बहुत अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग, क्या गजब का सवाल आ रहे हैं अब करंट अफेयर से संबंधित। 46 में कह रहा है, कौन सा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में शीर्ष पर है? तो साथियों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है यह 3 मई को मनाया जाता है, और 3 मई को ये रिपोर्ट आया 2024, तो इसमें बताया गया कि जो सबसे अच्छी प्रेस जहां की है वो साथियों स्वीडन की है, विकल्प नंबर बी हो जाएगा आपके 46 का, ये सी हो जाएगा, सॉरी ये नार्वे की है, विकल्प नंबर ये सी नार्वे की है, जो नार्वे शीर्ष पर है, आपसे टॉप पर पूछा है, तो टॉप पर साथियों ये नार्वे है। और अपना भारत कितना है साथियों? अपना भारत इस साल चला गया 180 देशों का ये सूचकांक था, तो 180 देशों में अपना भारत इस साल 159 स्थान पर है। हालांकि 2023 में, 2023 की अगर बात कर लें तो 2023 में यही भारत 161वें स्थान पर था, तो इस साल अपनी महान मीडिया ने 2 अंक का सुधार किया है, तो याद रखिएगा इसे, पहले नंबर पर नार्वे, फिलहाल अपने भारत का तो जरूर याद रखिएगा, 2024 का ये है, और 2024 का पूछे तो ये है, 2023 का है 161वां, और ये 2024 का है, इसे याद रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। आगे देखते हैं हम लोग 47 में क्या है, देखें साथियों, कौन सा मानव इतिहास का एक पहला मिशन है जिसमें चंद्रमा के सुदूर यानी चंद्रमा के सबसे दूर भाग से नमूने पृथ्वी पर लाए गए? तो साथियों ये चाई-इंग-6 ये एक मिशन है, और इस मिशन के माध्यम से चंद्रमा के सबसे दूर का जो है वहां से नमूने सैंपल लाए गए, विकल्प नंबर सी हो जाएगा ये। आगे देखते हैं हम लोग 48 में, न्यू वर्ल्ड वेल्थ के साथ साझेदारी में हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा प्रकाशित विश्व के सबसे धनी शहरों की रिपोर्ट 2024 में मुंबई का स्थान कितना है, ये आपसे जानना चाह रहा है। तो साथियों एक संस्था है न्यू वर्ल्ड वेल्थ के साथ साझेदारी में हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित किया गया, जिसमें विश्व के जो सबसे धनी शहर हैं, धनवान वाले शहर हैं, उनका रैंक तैयार किया गया। तो अपने जो मुंबई का है साथियों, अपने मुंबई का जो स्थान है वो यहाँ पर साथियों 4 नाम दिया गया है। इन चारों नामों में आपसे आपको क्या क्या दिया है? 24वां, 27वां, 46वां और ये 37वां। तो मुंबई का जो स्थान है उसमें 24वां मिला है, जो है वर्ल्ड के सबसे धनी 24वां शहर मुंबई है। आगे देख ले हम लोग 49 में, निम्नलिखित में से कौन सा मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 फार्मूला रेस 1 का विजेता है? तो साथियों इसमें कौन इसके विजेता है, मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 फार्मूला 1 रेस का, तो इसके विजेता इस समय 2024 के कौन है, तो ये आपसे पूछ रहे हैं, तो लैंडो नॉरिस, विकल्प नंबर सी हो जाएगा आपका ये वाला, याद रखेंगे इसे।
50 में देख ले हम लोग, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? तो किस पुस्तक को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला 2024 वाला, ये 2024 में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस पुस्तक को नाम मिला है, तो उस समय उस पुस्तक का नाम बताना है। तो कैरोस विकल्प नंबर बी हो जाएगा हमारा, इस कैरोस को मिला है ये साथियों, ये जो है आपका बी हो जाएगा। आगे देखें 51 में हम लोग देखते हैं क्या है, गजब का सवाल साथियों, बहुत ही इंटरेस्टेड सवाल है ये, यहाँ आप कई सारे फैक्ट सीख लेंगे। तो इसमें देखें, कंफ्यूज ना होइएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस एक होता है, एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है साथियों, ये अटल जी की सरकार की उपलब्धि है। अटल जी ने जो है 1998 में जो राजस्थान के पोखरण में यह न्यूक्लियर जो है परीक्षण हुआ था वहां पर, तो वो उसी दिन हुआ था 11 मई 1998 को, तो उसी दिन को 11 मई को घोषित किया गया। तो यह इसमें आपसे पूछ रहा है 11 वाले में, आपको कंफ्यूज हो जाएंगे अभी। तो आपसे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के बारे में पूछ रहा है, दो कथन दिया है और सही उत्तर देना है। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस इसीलिए मनाया जाता है, मैंने अभी जो बताया 1998 में 11 मई को मनाया जाता है। और यहाँ दे दिया साथियों, रमन प्रभाव की खोज की घोषणा के उपलक्ष्य में, नहीं मैंने बताया ना इसी दिन न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था राजस्थान के पोखरण में, उसके उपलक्ष्य में मई मनाया जाता है 11 मई। और ये जो रमन प्रभाव मनाया जाता है साथियों, इसकी घोषणा राजीव गांधी ने की थी 1986 में, इसकी घोषणा की थी इसी दिन साथियों। ये रमन प्रभाव जो है ये 28 फरवरी को रमन ने, रमन इफेक्ट जो है की खोज की थी, तो इसी दिन को राजीव गांधी ने रमन जो है मतलब ये मतलब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस घोषित कर दिया। यानी जिस दिन रमन प्रभाव की खोज किया था रमन ने, उसी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो यहाँ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है, तो आगे आप लोग यहाँ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ध्यान देंगे, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे आप, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। आगे देख लें हम लोग 52 में, भारत में अफ्रीकी चीतों को जंगल में लाने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान को दूसरे स्थान के रूप में चुना गया है? तो साथियों अभी आप लोग देखे थे अफ्रीका से जो चीते लाए थे, हालांकि चीते बेचारे लगभग सभी मर गए, जो जो कूनू नेशनल पार्क में लाए गए थे जो एमपी में है। तो एमपी का जो कूनू नेशनल पार्क है उसे जो है पहला चुना गया था अफ्रीकी चीतों का स्थान के रूप में, तो पहला। और इसमें आपसे पूछ रहा है दूसरा किसे चुना गया, तो साथियों दूसरा जो चुना गया है यह गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी एमपी में है। तो गांधी सागर जो है वन जीव अभ्यारण्य, ये दूसरा चुना गया है चीतों को लाने से मतलब आवाज देने के लिए। तो विकल्प नंबर सी आपका उत्तर होगा। देखें 53 में देखते हैं क्या है, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में भारत के बाद धन प्रेषण प्राप्त करने वाला दूसरे स्थान पर कौन है? तो साथियों बहुत ही लाजवाब है इसका, ये कहने का मतलब ये है, विश्व प्रवासन की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया कि भारत में सबसे ज्यादा विदेशी पैसा आता है। स्वाभाविक सी बात है, उसी जो यहाँ धन प्रेषण का मतलब यही हुआ साथियों कि विदेशों से सबसे ज्यादा पैसा जो आता है वो भारत में आता है, स्वाभाविक सी बात है। भारत में बेरोजगारी बड़े स्तर पर है, रोजगार के लिए लोग विदेश जाते हैं, वहां से अपने घर वालों को पैसा भेजते हैं, तो भारत एक नंबर पर है। लेकिन आपसे एक नंबर नहीं पूछा, कह रहा है दूसरे नंबर पर कौन है? तो दूसरे नंबर पर साथियों ये मैक्सिको है, विकल्प नंबर बी, और ये चीन जो है ये तीसरे नंबर पर है। इन तीनों को याद रखिएगा, कोई भी आपसे पूछ सकता है, पहला दूसरा तीसरा। आगे देखें हम लोग, देखें क्या है, डॉक्टर पूर्णिमा, ये पूर्णिमा क्या है साथियों, ये बायोलॉजिस्ट है। तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन ने निम्नलिखित में से किस पंछी को संरक्षण प्रयासों के लिए ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड जीता है? तो किन पंछियों के संरक्षण के लिए जीता है पूर्णिमा देवी बर्मन ने? तो ग्रेट एजुटेंट स्टॉर्क किसे
के लिए जीता है, विकल्प नंबर बी हो जाएगा आपका उत्तर ये। आगे देखें हम लोग 55 में, विश्व हाइड्रोजन, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, क्या गजब का सवाल है ये, कई सारे एग्जाम में देखिए पूछा जाएगा ये सवाल, ये ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में से किस शहर में आयोजित किया जा रहा है, तो साथियों रॉटरडम में, विकल्प नंबर डी। ये रॉटरडम कहाँ है साथियों, ये जो है नीदरलैंड की राजधानी है, नीदरलैंड की राजधानी है रॉटरडम, तो यहीं पर विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित हुआ। आगे देखें देखें ये वाला सवाल साथियों क्या है हमारा, अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर ये क्या है, ये आपसे पूछ रहा है, अग्नि अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर ये क्या है, तो साथियों यह विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला एक रॉकेट है, विकल्प नंबर ए ये इसके लिए सही है। ये वो तो यहाँ 4D लिखा है, ये सब नहीं होंगे, ये 3D वाला है, ये इसे याद रखिएगा, यही सही है। आगे देखें ये भी अच्छा सवाल यहाँ पर आपके लिए फिर आ गया एक, तो इसको हम पहले छोटा करते हैं। तो देखें क्या आपसे पूछ रहे हैं कि इसरो ने साथियों एक अभी मिशन शुरू किया है, युविका मिशन कार्यक्रम, तो ये सो याद रखिएगा, इसरो ने शुरू किया है, क्या शुरू किया है, युविका मिशन। इस मिशन का उद्देश्य क्या है साथियों, कि उद्देश्य ये है कि छात्रों को बच्चों को स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षित करें, जिससे कि उनका रुझान स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी ये सब के मामले में ज्यादा बढ़े, तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है इसरो ने किया है तो इसी सब के लिए किया होगा। आगे देखें 58 में देख लेते हैं हम लोग, 58 में क्या पूछ रहे हैं, मैड्रिड ओपन टेनिस 2024 टूर्नामेंट का विजेता कौन है, तो मैड्रिड ओपन टेनिस 2024 का ये विजेता कौन है साथियों, ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपको सामने ये चार नाम दिए गए हैं, इन चारों में कौन है साथियों ये आपसे बताना है, तो आर्यना सबालेंका, एशले बाल्टी ये नहीं है, ये ईगा स्वी एटक यही है, विकल्प नंबर ये सी हो जाएगा, यही है आपके, ये सी वाला यही आपका उत्तर होगा, ईगा। आइए देखें हम लोग 59, इतना अच्छा सवाल फिर आ गया आपके सामने, एक तरफ जो है साथियों कुछ दिवस है जो, और उसके सामने कुछ मतलब वो कब मनाया जाता है, तो विश्व मतलब कुछ स्पेशल दिवस यहाँ दिया है और वो उसके सामने उसकी डेट दी गई है किस दिन को मनाया जाता है, तो जो सही नहीं है उसी को पकड़ना है, ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है यानी जो गलत है उसे बताना है। तो विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है, ये तो अपना सही निकल गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, मैंने अभी पहले बताया था 3 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है, 16 मई को मनाया जाता है, यानी उत्तर हमारा अब डी हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं है जो गलत है, सबके सब सही है, तीनों सही है। आगे देखा जाए अब 60 में, निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्ति को हॉलीवुड की ग्लोबल डिसर्प्स 2024 की सूची में शामिल किया गया है, तो दीपिका पादुकोण को शामिल किया गया है साथियों, विकल्प नंबर ए आपका यही उत्तर होगा। आगे देखें हम लोग, देखें 61 में हमसे क्या पूछ रहे हैं, ये मैचिंग वाले सवाल हैं ये, तो मैचिंग वाले सवाल साथियों हमारा गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें थोड़ी सी भी जानकारी रहेगी तो फिर हम इसको मिला लेंगे। तो देखें यहां पर कुछ अभ्यास के नाम दिए गए हैं आपको, और वो अभ्यास कहाँ पर किए गए 2024 में वो दिया, आप लोगों को खूब अभ्यास पूछा, अभ्यास से संबंधित एक प्रश्न आपको जरूर मिलता है चाहे जो एग्जाम हो आपका। तो रेड फ्लैग जो साथियों ये हुआ, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ, यूएसए में हुआ ये, तो ये चला आएगा आपके यहाँ चौथे पर। और शक्ति जो हुआ ये भारत में हुआ, इंडिया में हुआ ये शक्ति, तो ये चला आएगा आपके यहाँ दूसरे नंबर पर। और यहाँ पर एक जो है ये वाला
ये चौथा वाला डेजर्ट फ्लैग, डेजर्ट फ्लैग वाला साथियों नाम में ही डेजर्ट है, तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई में ये आ जाएगा, यूएई में। अब आपका एक ही बचा है, इसका रास्ता तो सिर्फ यही है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ओ सॉरी ये ग्रीस में आ जाएगा, ग्रीस बचा है, तो ग्रीस बचा है तो आपका डी उत्तर हो जाएगा, ये डी वाला, डी वाले में। आगे देखें हम लोग अब 62 में, तो 62 में साथियों क्या है आपसे, 62 में पूछा जा रहा है साथियों, अभी कह रहा है किस देश को हाल ही में, अभी किस देश में सभी ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर मतलब बर्फ के पहाड़, सभी ग्लेशियर पिघल गए हैं, तो साथियों वेनेजुएला में, वहां साथियों एक बचा था कोई अभी थोड़ा सा, शायद वो भी पिघल गया होगा, तो वेनेजुएला में कोई भी ग्लेशियर अब नहीं बचा है, सब पिघल गए हैं। आपको मालूम है ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर काफी तेजी से पिघल रहे हैं। आगे देखें ये 63, 63 में आपसे पूछ रहे हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका के संदर्भ में, यानी प्लांट सेल और मैमल सेल में के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो साथियों इन दोनों में कौन सा हमारा सही है इसे बताना है। तो कह रहा है पादप कोशिकाएं आकार में छोटी होती हैं, पादप मतलब प्लांट, सीधा गलत साथियों, प्लांट कोशिकाएं आकार में छोटी नहीं बड़ी होती हैं, ये तो ये मतलब हमें सही उत्तर बताना है, सही उत्तर बताना है, तो ये इसका मतलब ये गलत हो गया और इसका उल्टा दे दिया, जबकि जंतु कोशिकाएं बड़ी होते हैं, तो साथियों उल्टा दे दिया, जो जंतु कोशिकाएं होती है वो छोटी होती हैं, पादप यानी प्लांट जो सेल होते हैं वो बड़ी होती हैं, ये तो गलत हो गया, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, सीधा गलत साथियों, जंतु कोशिका में ये कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल नहीं पाया जाता है, ये कोशिका भित्ति केवल जो है पादप कोशिका में पाई जाती है, याद रखिएगा इसे, तो ये भी गलत हो गया, यानी उत्तर आपका टी होगा, कोई भी सही नहीं है। आगे देखें हम लोग 64 में, ये क्या कह रहा है 64 में, क्या कह रहे हैं 64 में आपसे, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका की स्वघाती थैली कहा जाता है, यानी आत्महत्या की थैली कहा जाता है, किसे किसे कोशिका की स्वघाती थैली यानी आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो लाइसोसोम को, विकल्प नंबर ए आपका हो जाएगा, यही उत्तर होगा 64 का, एक बार इसका इंग्लिश वाला देख लें तो यही है, तो हाँ सुसाइडल सही बात है, तो ए ही उत्तर होगा, लाइसोसोम होगा, यही उत्तर है। 65 देख लें हम लोग, 65 में निम्नलिखित में से कौन सा पुष्पों में मादा प्रजनन अंग है, तो पुष्पों में मादा प्रजनन अंग कौन सा है ये आपको बताना है 65 वाले में, तो जायांग, ये तो मादा नहीं है, यही है जायांग होता है। आगे देख ले हम लोग 66 में, निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतक, केवल ऊतक का इंग्लिश होता है टिश्यूज, कौन सा पादप ऊतक, पादप ऊतक मतलब प्लांट का टिश्यू केवल मृत कोशिका से बना होता है, तो मृत कोशिका से बना हुआ जो टिश्यूज हैं वो किस में होता है साथियों, यही आपको बताना है इन चारों में दिए हुए में, तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पहला जो आपको दिया है स्केलेन काइमा ऊतक, कोलेन काइमा ऊतक ये दूसरा है, और पैरेन काइमा ऊतक, और चौथा दिया है मेरिस्टे मेटिक ऊतक, तो ये जो चारों वाले दिए हैं साथियों यहाँ पर, तो यहाँ पर ये स्केलेरेन काइमा ऊतक ये विकल्प नंबर ए यही होता है, मृत कोशिका से संबंधित है। आगे हम लोग देखें 67 में, पौधे की वृद्धि के लिए यानी पौधों को ग्रोथ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बृहत पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो बृहत पोषक तत्वों की आवश्यकता किससे होती है साथियों, तो होती है यहाँ पर दिया है फास्फोरस तांबा, तो आप लोग जानते हैं कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो साथियों यहाँ पर जो दिया है कैल्शियम, तो कैल्शियम आपके बृहत पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है पौधों के वृद्धि के लिए, यही सही है, वृद्धि के पूछा है तो कैल्शियम ही होगा, तो आगे देखें
और नाइट्रोजन भी कई बुक में लिखा रहता है, यहाँ तो कैल्शियम दे दिया है। फिलहाल आप लोग कमेंट करिएगा इसके बारे में, आगे देखें हम लोग। वहां नाइट्रोजन है नहीं तो इसलिए कैल्शियम हम लगा दिए, तो वही होना चाहिए। आगे देखें 68 में, कौन सा पादप हार्मोन मुख्य रूप से कोशिका वृद्धि और तने की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है? तो साथियों, ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो कोशिका यानी सेल की वृद्धि और तने की वृद्धि को बढ़ावा देता है? तो साथियों, यहाँ पर जो है वो जो है ये ऑक्सिन विकल्प नंबर बी, ये जो है ये बढ़ावा देता है, और ये जिबरलिन जो है ये वृद्धि को रोकता है यहाँ पर। तो आगे देखें हम लोग अब 68 का, ये तो हमारा बी हो गया इसका उत्तर। आगे देखें 69 में क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आभासी फल है, यानी वो झूठा फल जिसे कहा जाता है, झूठा फल क्या है? तो सेब साथियों, सेब को आभासी फल कहा जाता है। 69 का हमारा जो उत्तर होगा वो यही हो जाएगा, सेब विकल्प नंबर बी, इसे आभासी फल या झूठा फल भी कहा जाता है। आगे देखें, एक तरफ साथियों हमें कुछ रोगों के नाम दिए गए हैं और इसका उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है, एक तरफ वो दिया है। तो सिकल सेल एनीमिया जो है साथियों, इसको उन्मूलन करने का इसका जो लक्ष्य रखा गया है, इसका जो लक्ष्य रखा गया है ये 2047 तक रखा गया है। बिल्कुल सही, ये तो सही है, लेकिन हमसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। और क्षय रोग जो टीबी है साथियों, जगह जगह शहरों में मार्केट में हर जगह पोस्टर लगे होंगे, तो वहां पर देखेंगे कि टीबी को 2025 तक खत्म करने का निर्णय लिया गया है, मलेरिया को 2030 तक। ये तीनों तो आप लोग जानते होंगे, ये वाला जब तीनों ये सही हैं तो स्वाभाविक सी बात है गलत यही होगा, बी वाला। तो बी ही आपका उत्तर होना चाहिए, लसिका फाइलेरिया। तो ये इसका जो इसको खत्म करने का जो निर्णय लिया गया है यह 2030 तक नहीं है। तो आप लोग जो है एक बार कमेंट्स में बताइएगा कब है, हमें तो ये तीनों कंफर्म था इसलिए हम उत्तर को निकाल लिए, हाँ ये नहीं होगा। लेकिन आप लोग एक बार बताइएगा कि हाँ ये जो है सिकल ये लसिका फाइलेरिया ये कब है, जिसे हम लोग जो है लिम्फेटिक फाइलेरिया बोलते हैं। तो ये 2027 तक जो है इसको खत्म करने का निर्णय लिया गया है, 2030 नहीं बल्कि 2027 तक। आगे देखें तो इसलिए गलत हो गया। 71 में क्या है, वर्ष 2023 का मेडिसिन और फिजियोलॉजी का नोबल पुरस्कार किस उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया है? तो साथियों, ये किस उपलब्धि के लिए मेडिसिन या फिजियोलॉजी का नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ये किसके लिए किया गया है? कोविड-19 के विरुद्ध mRNA का टीका विकसित करने के लिए, ये वाला हो गया। आगे देखें 72 में, तो साथियों यहां पर कुछ बीमारियों के नाम हैं और कुछ विटामिन्स के नाम हैं। तो किस विटामिन्स की कमी से कौन सा बीमारी होती है, इसे हमें बताना है। तो यहां पर साथियों हाँ हमें दिया है विटामिन सी, तो जानते हैं विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, हम लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं। तो ये 4 पे चला आएगा आपका, ये तो 4 पे चला आएगा, इसका तो काम हो गया। अब देखते हैं हम लोग ये विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से साथियों जानते हैं ये हड्डी से संबंधित है, रिकेट्स, ये वाला हो जाएगा। और विटामिन B7, विटामिन B5, तो विटामिन B5 जो है साथियों, ये से ये जो रोग होता है एक तरह का, ये बोला जाता है कि जैसे ये पेलाग्रा, तो इसमें प्लेग्रा लिख दिया है, तो विटामिन B5 जो है वे पेलाग्रा से संबंधित है, ये आला आ जाएगा आपके इधर से करते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ये इधर चलाएगा। और बाकी एक आपका जो बचा है B7, उसका रास्ता तो यही है, बाल झड़ना। तो यहाँ पर उत्तर आपका क्या हो गया, ए वाला 4 पे होना चाहिए, बी वाला 2 पर, तो इसका मतलब यही उत्तर है आपका, बी वाला। आगे देखा जाए 73 में, तो 73 में क्या पूछ रहे हैं आपसे,
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 का शीर्ष 100 रैंकिंग में शामिल है? तो भारतीय विश्वविद्यालय के बारे में बात कर रहा है कि टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी की जो रैंक निकली है 2024 की, तो टॉप 100 में अपना भारत का कौन से विश्वविद्यालय शामिल है, तो वे हमें बताना है सही उत्तर करके बारे में। तो यहाँ पर साथियों जो इसमें जो दिया है, इसमें महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, एक तो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय जो केरल में है ये है, एक अन्ना विश्वविद्यालय जो तमिलनाडु में है ये है। तो यही दोनों टॉप 100 में है, ये उत्तर आपका कौन ए होने जाना चाहिए, ए वाले में। आगे देखें 74 में क्या होगा हमारा, ये वर्ष 2024 भारतीय लेखक जिनका नाम है रस्किन बांड को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रस्किन बांड को साथियों साहित्य एकेडमी फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे देखा जाए 75 में, 75 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी बॉम्बे निम्नलिखित में से किस कंपनी की साझेदारी में भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप्स इमेजर विकसित किया जा रहा है? तो किस कंपनी की साझेदारी में भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप्स जो वो विकसित किया जा रहा है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो ये विकसित किया जा रहा है साथियों टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस के, विकल्प नंबर ये बी हो जाएगा आपका। आगे देखें 76 में, पायल कबाड़िया की किस फिल्म ने 77वें कौन से फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो साथियों किस फिल्म ने जीता है पायल कपाड़िया की, उस फिल्म का नाम बताना है। तो 76 वाले में यहाँ चार नाम दिए गए हैं, तो इन चारों नामों में साथियों ऑल वी इमेजिन इन लाइट विकल्प नंबर डी यही फेस्टिवल ग्रैंड प्रिक्स जीता है 77वें कौन से फिल्म फेस्टिवल में। आगे देखें ये क्या है यहाँ पर 77 में, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट 2024 क्या लिखा है यहाँ, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन हमारा सही है? तो इन दोनों कथनों को पढ़िए और सही उत्तर दीजिए। तो यह आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है, तो ये जो ट्रेवल एंड टूरिस्ट डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 है, ये कह रहे हैं कि यह ये जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है, यस ये बात सही है। इस सूचकांक में भारत जो है 39th स्थान पर है, तो यस साथियों भारत इसमें 39th स्थान पर है यहाँ पर। तो ये दोनों कथन हमारे बी हो जाएंगे ये वाला। आगे देखा जाए दोनों सही हैं। 78 में निम्नलिखित में से कौन ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष यान से कौन ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय पर्यटक बन गया है? तो ब्लू ओरिजिन एक अंतरिक्ष यान का नाम है, तो वो उससे जाने वाले भारतीय पर्यटक कौन से हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो साथियों गोपी थोटाकुरा विकल्प नंबर ए वाला है ये, गोपी थोटाकुरा। देखें 39, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2024 में महिलाओं की 200 मीटर T12 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है साथियों, किसने जीता है, सिमरन शर्मा ने, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। तो हम लोग 80 देख लेते हैं, दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे लंबी सुरंग शिंकुला निर्माणाधीन है यानी जो बन रही है, वह किनके बीच स्थित है वो हमें बताना है। तो किनके बीच है साथियों, लाहौल घाटी और जास्कर एलजे के बीच में, तो एलजे के बीच में है जो है लाहौल और जास्कर के बीच। 81 में हम लोग अगर देखें तो 81 में क्या कह रहे हैं,
तो साथियों हम लोग ऐसा करते हैं, इसको यहीं से छोड़ देते हैं। आधा हमारा लगभग बचा है, 150 प्रश्नों की एक टेस्ट सीरीज है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हमें अपलोड करने में, आपको देखने में भी दिक्कत होगा, क्योंकि बच्चों की शिकायत रहती है सर वीडियो लंबी ना होने पाए। तो हम इसका, ये पार्ट वन हो गया, इसका पार्ट सेकेंड जो है साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 81 से लेकर 150 तक, ये दूसरा पार्ट मिलाएंगे, जस्ट इसके बाद ही अपलोड करेंगे। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, इसके ज्यादा से ज्यादा जो है अपने लोगों को, जो भी आपके मित्र हैं, सहयोगी हैं या कोई भी हो, तो ज्यादा शेयर करके सपोर्ट करिएगा इसे। तो इसके बाद हम ये दूसरा पार्ट लेकर आएंगे इसमें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो थोड़ा सा दिक्कत दोनों के लिए होगी, हमारे लिए आपके लिए भी। तो इस वीडियो को यहीं रोक देते हैं और क्वेश्चन नंबर ये 81 से सेकेंड पार्ट हम लोग लेकर आते हैं अगले वीडियो में। तो मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।